हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर आरपीआई पेंसिल टेस्ट के ऊपर कंटिन्यू वीडियो की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भाई नितिन कुमार जी से। जी हाँ फ्रेंड्स, बट इससे पहले हम नितिन जी के पास चलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी दोस्तों, कंजूसी ना दिखाते हुए यदि वीडियो आती है पसंद तो उसको अभी लाइक करें एंड अधिक से अधिक शेयर कर दें आपके व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में। और हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपना अनुभव शेयर करें, अपने दोस्तों की हेल्प करें, मदद करें, तो इसको इसके लिए जाना होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मेरा नंबर दिया होगा, तो आप उस पर संपर्क करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं भाई नितिन से बात। तो सबसे पहले नितिन जी, आप अपना सब कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए दोस्तों के लिए। सर, नाम नितिन कुमार है मेरा। हाँ हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बिजनौर से हूँ। अच्छा, यूपी बिजनौर। हाँ जी जी, आपका कब था और कहाँ पे था ये और बता दीजिए। कल तो सर 11 तारीख कपूरथला। अच्छा, कपूरथला। तो नितिन जी, सबसे पहले आपके यहाँ से जाने का रूट बता दीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त जाते हैं तो उनको हेल्प मिलेगी, देन इसके बाद वहाँ पे आपका कैसा क्या हुआ वो बताइए। सर, मैं जिला बिजनौर में नगिनने से हूँ। हाँ हाँ, नगिनने से ट्रेन है मेरी रात को 11 बजे। अच्छा हाँ हाँ, दो ट्रेन है रात को 9 बजे 11 बजे। हाँ, तो 11 बजे ट्रेन लगा था, मैं सुबह 5 बजे तक पहुँच गया था वहाँ पे, एक दिन पहले गया था मैं तो। अच्छा हाँ, सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गया था, फिर गुरुद्वारे में ठहरा था एक दिन पहले। हाँ हाँ, गुरुद्वारा। अच्छा, आपका 3 बजे नंबर लगा था। अच्छा हाँ, 4 बजे नंबर आया था वो मसालों के पास, 3:30-4 बजे। अच्छा हाँ, पहले मसाले पूछे। हाँ, मसालों में पास हो गया था मैं। अच्छा, मसाला टेस्ट निकाल लिया था। हाँ सर, 3-4 मसाले में तो एक भी कर दिया था सर, ऐसे ही ठीक बता दे। अच्छा, क्यों भाई, आप बहुत से बच्चे क्वालिफाई करने लगे हैं टेस्ट मसाले वाला, है ना? हाँ सर, बहुत सारे बच्चे, मैं बोल रहा था कि रटके आया कहीं से। जब मैंने सारे बता दिए, ये पहले मैं दब, फिर लिख गया, जब मैंने सारे बता दिए फिर वो लिख गया मैं दब, मैंने छुप के देखना पड़ेगा, ये तो सभी सभी 2-3 थे वहाँ पे। हाँ हाँ, मैंने छुप के देखा तो मैंने कहा बहुत मैदा है, फिर कहता रटके आयो कहीं से। अच्छा, रट के आयो कहीं से। आपने फिर पराठे बना के लेकर, पराठा सादा पराठा बना दोगे? मैंने हाँ बना दूंगा सर। अच्छा हाँ, फिर बोला तिकोने बना दोगे? मैं तिकोने बना दूंगा सर। हाँ, फिर बोला तिकोने पराठे बना के लिखा दो। अच्छा हाँ, मेरे को ऐसे आवाज की तिकोने पराठे बना के लिखा, ये क्या दोगी बनी, बोला उन्होंने। अच्छा, तो मैं एक बना के लेकर चला गया, काफी अच्छा पराठा बनाया था मैंने। हाँ हाँ, तो सर उन्होंने बोला कि आपने एक ही बना के लिखा, हमने दो को बोला था। मैंने कहा सर आवाज नहीं थी मेरे को, इसलिए मैं एक ही बना लाया। तो उन्होंने बोला कि काफी अच्छा पराठा बनाया, आपने एक और बना के लिखा। अच्छा हाँ, तो फिर मैं सर एक और बना के लेकर, फिर उन्होंने बोला सब्जी में क्या बना लेते हो? हाँ हाँ, मैंने बोला जो आप बनाओगे बता दोगे बता बना दूंगा मैं तो। अच्छा हाँ, फिर सर उन्होंने बोला तोरी बनाओ, उन्होंने बोला। हाँ, तोरी की सब्जी बना लो। अच्छा हाँ, मैं मैडम के पास गया, मैंने बोला कि तोरी का सामान उठा के दे दो। कौन सी सब्जी बोल रहे हैं आप, तोरी? अच्छा, जो अभी इसी सीजन में चल रही वो तोरैया बोलते हैं जिसको। अच्छा हाँ हाँ, तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम मेरे को तोरी बनाने को बोला है, आप सामान दे दो मेरे को। अच्छा हाँ, तो उसने सामान दिया, एक लड़का उसके पास जब आया था, लास्ट में हम दो ही लड़के थे बस जो काम कर रहे थे, बाकी सबका काम निपट गया था, हम दो ही लड़के बचे थे लास्ट में। अच्छा, आप दोनों थे। हाँ, फिर एक लड़का आया, उसने आधा मैडम से टमाटर मांगा। हाँ हाँ, वो आधा टमाटर काट के उसने उसके में रख दिया, आधा मेरे में रख दिया। अच्छा, मैंने तोरी की सब्जी कभी घर बनाई नहीं थी, बाकी सब सब्जी बना रखी थी, बस तोरी छोड़ गए। हाँ हाँ, अब मेरे को पता नहीं था तोरी में टमाटर डलता है या नहीं डलता। अच्छा, तो सर मैंने काट के टमाटर डाल के छोक दिया, फिर वो साहब अधिकारी काफी हमारा वेट कर रहे थे। हाँ हाँ,
तो ही थे तो आके देखने लगे कि क्या बना रहा भाई। तो मैंने तोरी की सब्जी बोला था आपने। हाँ अच्छा, उन्होंने देखा कि टमाटर वाले, टमाटर कहाँ डलता है तोरी में। अच्छा बोले। हाँ हाँ, तो मैं चुप हो गया। फिर बना के मैं लेके गया, उन्होंने चेक किया, बोला हाँ ठीक है तुम जाओ बाहर बी एड का वेट करो। अच्छा। हाँ फिर से मेरे दूसरे लड़का भी आ गया वो, तो हाँ सर मैं तो सोच रहा मैं तो पास ही हो जाऊंगा। अच्छा, ये मिस्टेक करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ मैं तो हो जाए क्वालिफाई हो जाऊंगा भैया। हाँ बाकी बाकी वो जो आरपे वाले थे भी बोल रहे थे कि सब्जी सर सब्जी में ही लेकर रख ली थी उन्होंने, हाँ हाँ तो उन्होंने बोला मैं 4 रुपये वाले पूछा सब्जी वापिस ली उन्होंने, मैंने नहीं सर पे खा रहे हैं, अरे बढ़िया अच्छा बनाई होगी तुमने इसलिए खा रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ मैं तो खुश हो गया था, मगर अब तो मैं पास हो जाऊंगा। फिर बाहर आके वो जब भी तुरंत जैसे ही मैं आया मेरे साथ लड़काया, हाँ हाँ तभी आके उन्होंने रिजल्ट बोल दिया 5 मिनट बाद हमारे आने के। अच्छा हाँ सर मेरा नाम मैंने बोला, मैंने बोला सर कि मेरा आपने नाम नहीं बोला, मैं 3 चीज बनाई है, हाँ मैंने बेटा आपसे अच्छा किसी ने बनाया होगा इसलिए उसका नंबर आ गया। देखिए, आपकी फर्स्ट मिस्टेक तो आपसे यही हो गई थी, एक पराठा वो दो बोला आप एक लेके गए थे, है ना। और लास्ट में आपसे जो मिस्टेक्स हो गई, आपने टमाटो यूज कर लिया। हाँ सर पराठे की तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने बोला कि सर मेरे को सुना नहीं थी, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं एक और बना रहा हूँ, एक हाँ और बना के लेकर दो हो गए थे। तो लेकिन सर वो सही। मैडम बहुत चालाकी कर रही है, वो सामान दे रही है कम देती है बच्चों को, कुछ ज्यादा कहती क्या क्या लोगे, मैडम बहुत चालाक है सर, वो जो सामान देती है अच्छा, वो भी करती है गड़बड़। वही गड़बड़ करवा रही है, और कोई गड़बड़ नहीं करा है, वो टमाटर ना देती मेरे को तो मैं डालता ही नहीं। उसने दे दिए टमाटर की, टमाटर डाल दो। उसने दिया टमाटर, मैंने बोला उससे तोरी सब्जी बनानी मेरे को, उसने अपना भी दिया टमाटर वमाटर सब काट के। देखिए वहां पे आपके नॉलेज होना चाहिए आपको कि हाँ क्या डलता है क्या नहीं डलता है, यही तो मिस्टेक करवाते हैं वो। सही है। सर बहुत दुख हुआ मेरे को आपका कल फोन आया, मेरा सर बहुत मूड खराब था इसलिए मैं कल शेयर करना नहीं चाहता था, इसलिए सर मैं बहुत गुस्सा आ रहा था कल। हाँ, ये है कि आपका सब क्वालिफाई हो गया, उसके बाद भी आप लास्ट में डिसक्वालीफाई हो गए, है ना। सर मैं घर से बहुत मेहनत करके गया था सर, हाँ, मैं मेहनत तो क्यों घर नहीं की होगी, सही बात है। कब से एक्सपीरियंस वीडियो चल रहा है। से सर 30 तारीख से वीडियो चल रही है आपकी, मैं लगातार जो भी चीज बच्चे बताते थे कि हाँ, डेली हर चीज वही घर पर मैं आके देखता था डेली। नहीं, और फिर आपका निकल भी तो रहा था, आपने मसाले के टेस्ट निकाल लिया, आपने पराठा बना दिया, सब कुछ हो गया, लास्ट में जाके वो आप क्या हाँ कहें सर कुछ। लास्ट में आकर निकल गया सर, पास हो जाता सारे पैसे वसूल हो जाता सर, मैं 3-4 हजार हो गए इन चीजों में बनाने में, बताइए। कभी मुर्गा बनाना कभी मछली है। आज बच्चे बोलते थे कि आज किसी लड़के मछली बन भाई टमाटर बन भाई, मैं सर डेली सर जो जो सब्जी बच्चे बताए थे मैं तो बनाता। ये तो है। चलिए ठीक है, अब दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, अभी बहुत से एग्जाम है, इससे हाँ अच्छा ही मैंने होगा और क्या। तैयारी करनी होता जाओ किसी का देखा है नहीं मेरा हाँ, NTPC ग्रुप डी और बहुत से पुलिस एग्जाम। ग्रुप डी का, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, फोटो में मेल उठा दिया। हाँ अच्छा। तो कर लिया NTPC है मेरा, तो कुछ है नहीं अब जा। अच्छा नितिन जी, आप मिस्टेक्स का बताइए जरा, क्या क्या मिस्टेक्स वहां पे हुई उस दिन जिस दिन आपका था। सर मेरे तो सर लास्ट में नंबर था, तो हमें तो सर पता ही नहीं इस बात का सर, बच्चे ज्यादातर तो बच्चे मसालों में निकल रहे हैं, मसाले बताने जा रहे बच्चों से। सर अच्छा। 2 अधिकारी बैठे 3 अधिकारी बैठे हैं वहाँ पे, तीन में से सर एक तो खाना चेक करता रहता है, बताता है कि क्या बनाना अच्छा है, हाँ दो दो पता करते हैं मसालों के, एक एक तरफ मसाले रखे एक तरफ दालें रखी। हाँ जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे कुछ दालें भी थी, सोया की दाल सोयाबीन वो जिसे बोलते हैं। अच्छा, आप मसालों के नाम बताइए जरा आपको जो याद हो और आपसे जो पूछे हों। जायफल पूछा था, अरारोट हाँ पाउडर पूछा था, मैदा पूछी थी, सोए की दाल पूछी थी, हाँ हाँ और सर बेसन पूछा था, मैंने सारे कुछ बता दिया था। मुझे तो उसने बोला कि रट के आया होगा कहीं के, अच्छा, तुमको हेल्प मिली होगी हमारी वीडियो से, है ना। सर सारी आपकी हेल्प मिली सर, ना आपकी वीडियो ना देखता मैं कुछ भी ना होता सर, 3 चीज पास कर ली मैंने, हाँ मसालों टास्क पूरा कर लिया, चाय बनाने में पास हो गया मैं, और हाँ पराठा तिकोना पराठा बनाने पास हो गया, हाँ बस मिस्टेक हो गई तोरी नहीं बना के देखी थी घर पे कभी। जी, तो टमाटो यूज कर लिया। चलिए ठीक है। तोरी तो मेरी सर अच्छी बनी थी, पर फिर भी पता नहीं जाने क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने 3 आइटम बनवाए थे फिर भी फेल कर दिया मेरे को। हाँ अच्छा, आप बोल रहे कि मेरे लास्ट में दो बच्चे थे, तो साइड वाले से क्या बनवा रहे थे। अरहर साइड वाला बच्चा अरहर की दाल बना रहा था। की दाल। हाँ सर वहाँ पे तो बच्चे सर ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कुछ लड़के, रोटी सर बनाते हैं इतनी मोटी रोटी, मैं तो देख देख के मोटी रोटी है ना, तो सर मैं तो बहुत परफेक्ट हो गया था इन चीजों में।
हाँ सही है। मोटी मोटी रोटी बना रहे थे बच्चे। एक बच्चे सर क्या करा, चावल बना रहा था कुकर में। कुकर पे चावल, मेरे को दिखाया था यार, ये मेरे कुकर में चावल पानी नहीं जा रहा था। अच्छा मैं देखा, मैंने पूछा सीटी कितनी लगवाई, कह रहे 5-6 सीटी लगवा दिया मैं। हाँ अरे पानी था जितना था, चावल थोड़े दिए थे मैडम ने, हाँ पानी कुकर ऊपर तक भर कर रख दिया। नहीं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर 20-20 सीटी आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी दाल पक नहीं रही थी, ऐसी दाल थी वहां की। दाल नहीं, चावल थे, चावल अच्छा चावल का चावल, बिल्कुल, चावल तो एक सीटी में जाते हैं, हाँ कुकर रखो एक सीटी में चावल जाते हैं। अच्छा पानी रखने, पानी एवरेज रखना पड़ता ना, जितना चावल उतना पानी या थोड़ा सा उठा दो। उस लड़के ने कुकर ऊपर दबा दिया पानी, चावल दे जा रहे हैं। हाँ। अच्छा नितिन जी, जो वीडियोज आपने देख के जा रहा है कोई, वो तो आराम से टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा आपका मसाला वाला, है ना? हाँ सर, मसाले बड़े तो आम सर, आपके जितने मसाले पड़े हैं ना वीडियो में, हाँ 40-30-28 मिनट का वीडियो है वो आपका। हाँ 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 सर, वही मसाले पड़े हुए काफी हैं भैया। चलिए ठीक है। एक तरफ सर मसाले हैं, दाल लें दालू वाले पर तो मैं गया नहीं सर, अच्छा दाल सर भी जो आपके हैं सब भैया, और कोई नहीं है वहाँ पे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेंज कर देते हैं पोजीशन, यानी मसाले दाल है आटे की, क्योंकि कभी बोलते हैं बच्चे सर बीच में रखा रहता है, मिक्स रहता है, कभी बोलते हैं एक साइड दाल है एक साइड मसाले हैं, तो चेंज करते हैं वो शायद। सही बात है सर, लेकिन सर दाल जो थी ना वो अलग दाल दाल थी। मेरी तरफ जो था वो सर सोया की दाल रखी थी, वैसे सोयाबीन जो बोलते हैं, बाकी दाल नहीं थी मेरी तरफ। अच्छा हम, हाँ मेरी तरफ तो बेसन था बस सर, आटा भी नहीं दिखा मेरे को तो कहीं। आटे सार दस लड़के आटे बोल रहे थे, आप ही बोलते थे कि आटे रखे, आटे तो सर कहीं भी दिखाई नहीं दिए मेरे को वहाँ पे। वो यही है कि हाँ कभी रख देते कभी नहीं रखते, थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि कैंडिडेट से बात होती तो कभी बोलते सर पूरा मिक्सिंग था आटा, उसी में मसाला, उसी में दाल, उसी में, कभी बोलते सर साइड में आटा था साइड में दाल थी, जैसे कि आप बता रहे हो। वहाँ पे एक मैंने चुके देखा तो मैदा थी, हाँ या फिर अरारोट पाउडर, अरारोट पाउडर से चिकना होता है बहुत ज्यादा, अच्छा उसे चुके हाँ पता चलता है कि अरारोट पाउडर जो इतना चिकना है बेहिसाब होता है, मैदा इतनी चिकनी नहीं होती, अलग दिख जाती है, बेसन पीला होता है। बस 3 आइटम रखे थे आटे जैसे, वहाँ पे बाकी कुछ है नहीं था। अच्छा। नितिन जी, लास्ट में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों के लिए, जिससे उसका टेस्ट निकल जाए सब दोस्तों का? मैं तो यही कहूंगा कि बिना घर पे प्रैक्टिस वाले कुछ नहीं होगा वहाँ पे। हाँ जी सही बात है, अब लास्ट में यही हर्ष होता है। सर मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने सर घर पे सब चीज़, मैं डेली सर मैं 30-40 लगा, हाँ हाँ मैंने कहा कभी आज तक मैंने मुर्गा अपने हाथों छुआ नहीं है, मैं सर मैंने मुर्गा काट के बनाया अभी। हाँ बताइए, अब मुर्गा भी बना लिया आपने और छुआ नहीं था पहले कभी, पहले कभी छुआ नहीं था, अंडे भी सर अंडे बनाए कभी छुआ नहीं था अंडे भी। बताइए। हाँ मम्मी से हल्का आइटम बनवाया मेरे को, मम्मी ने 3 दिन का आइटम हो गए वहाँ पे, मम्मी से जो बनवाएंगे तो रही भाई बनवाई चाय आपसे। बोला कि चाय बना के लिखा, ढाबे वाली चाय नहीं चाहिए हमको, फिर भी अच्छा बोला ढाबे वाली चाय नहीं चाहिए हमको, हाँ, बल्कि चाय बना के लिखा चीनी दूध सिक्वेंस में होना चाहिए। तो आपकी चाय परफेक्ट थी? हाँ चाय परफेक्ट थी मेरी एकदम। अच्छा आपने कैसे बनाई थी जरा उसी का बता दीजिए, क्योंकि किसी को फंस गई तो वो बना तो सके। हेलो नितिन, हेलो। उसने सर मेरे को दूध दिया, हाँ मैंने हाँ चाय बना दी, थोड़ा पानी भी डाला था मैंने, लेकिन अच्छा चाय वो जब मैंने कप लिया तो आधा कप चाय हुई, मैं सर डर गया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा। अच्छा फिर मैडम के पास गया मैंने, मैडम जी आपने 1 कप चाय को बोला था, मैंने आपने आधा कप चाय बनी, इतना दूध दिया सर, पानी हाँ डाला था मैंने, तो बोली है कि तुम बताना चाहिए था ना, खुद ले लेते हैं। मैंने मना की जाए तुम्हें, तुम बोलोगे मुझसे 1 कप भगवाना दूध दे तो मैं तो 1 भगवाना दे दूंगी। तो आपने कैसे क्या कितना पानी लिया था, उसमें कितना दूध लिया था जी बताइए। पानी तो मैंने बहुत ज्यादा डाला था, बाकी दूध ही दूध था प्योर। आप अच्छा हाँ पहले आधा कप पका ली थी मैंने, फिर मैं उसे दोबारा दूध लेकर, दोबारा दूध लेकर फिर लाके वो डाला मैंने, फिर से पकाई, ज्यादा पकाया नहीं थी चाय मैंने। अच्छा फिर हाँ ढाबे वाले ज्यादा चाय पकाते ना, उन्होंने बोला था कि ढाबे वाले चाय हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ तो ज्यादा मैंने वो पकाया नहीं थे सर। उसमें मैंने सर थोड़ा अदरक डाला था पीस के, हाँ हाँ एक इलायची डाली थी, हाँ हाँ थोड़ी काली मिर्च डाली थी, हाँ हाँ और सर काली मिर्च डाल ली थी, बाकी तो सर कुछ नहीं डाला था मैंने सर उसमें। हाँ हाँ ऐसे ही नॉर्मल था, मतलब कि जैसे अपन पीते रहते हैं। सर चीनी मैंने बहुत हिसाब से डाली थी, कहीं ज्यादा ना तो ज्यादा मीठी थी ना ज्यादा फीकी थी वो। हाँ क्योंकि चीनी का भी बहुत इफेक्ट रहता है, मीठी हो गई तो वो ये रिजेक्ट कर दे। हाँ सही है। सर पीके तो बहुत कम देखते हैं वो, सर हिला पिला के देखते हैं कभी इधर को कभी इधर को, पता है सर जो हिलाने में क्या पता चलता है उनको, सर पीना तो बहुत बहुत मुश्किल से किसी बच्चे का चख के देख लेते हैं, वो नहीं देखते नहीं।
हाँ छुके छुके देख के बता देते हैं कि क्या कमी है। गिलास कभी इधर उधर बुलाते रहते हैं, कभी देखते रहते हैं कि क्या कमी है। हाँ जब मेरा कभी जा रहा था, वो एक अधिकारी दूसरे ने पूछा कि ठीक है, तो वो हाँ बोलता हाँ चल ठीक है इसकी। अच्छा हाँ। अच्छा नितिन जी, आप जी बताइए, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनसे क्या बनवाया था, आपको मालूम है? नहीं सर, मेरे को उनका मालूम नहीं है कुछ भी। नहीं है? हाँ नहीं सर, कुछ लड़के तो सर ये भी बोल रहे थे कि हमने दो टास्क करवाए फिर भी पास कर दिए, दो टास्कों में ही। हाँ हुआ है ना, अपने यहाँ पे इंटरव्यू आया भाई का, एक अनुभव आया, चाय और चावल में उसका टेस्ट क्वालिफाई हो गया। हाँ सर, मैंने सर पराठा बिल्कुल सर तिकोना, इतना अच्छा पराठा बनाया सर, मैंने आज तक घर पर भी नहीं बनाया इतना अच्छा पराठा जो वहाँ पे बनाया था। हाँ और हाँ अच्छा तेरी मम्मी को दे, तेरी मम्मी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर, और बता दीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं। सर डॉक्यूमेंट हमारा नंबर नहीं आता था, मैं बताया तो अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स का नंबर नहीं आया। बस अच्छा तो ये बताइए, आप जिस दिन का आपका हुआ है 11 तारीख में, उस दिन सब्जियां बता सकते हो कौन कौन सी बनवाई गई दोस्तों से आपके और आपसे? हाँ सर ये बता सकता हूँ, मटर पनीर भी बनवाया गया सर, कई लोगों से अरहर की दाल भी बनवाई गई और सर, तोरी की सब्जी बनवाई गई सर, आलू बैंगन को साफ मना कर रहे थे सब बच्चे, पूछ रहे थे कि आलू बैंगन की सब्जी छोड़ के कोई सी बना सकते हो तुम, आलू बैंगन की नहीं, आलू हाँ की मैं नहीं, अच्छा पता नहीं आलू टमाटर उस दिन आए नहीं थे वहाँ पे या उन्हें पसंद नहीं थे क्या, आलू हाँ। टमाटर, आलू टमाटर और आलू बैंगन सब्जी छोड़ के कौन सी सब्जी बना सकते हो, सजदा भी बोल रहे थे। अब आलू बैगन की ज्यादा ही खाली होगी इसलिए पसंद नहीं आ रही होगी अब। हाँ इसलिए पसंद नहीं आ रही होगी, एक लड़के हाँ मेरे खीर बनाई हाँ चावल अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है दूध का अच्छा सर, मैं ये देख देख कर दिया सर, मैं तो बहुत परफेक्ट हो गया था इन चीजों में, पता नहीं सर कैसे कर दिया उन्होंने मेरे को हाँ। सर मैं ना तो थोड़ी में टमाटर डाल था ना फेल होता। सही है, आपने टमाटर डाल के मिस्टेक कर लिया, आपको बनाते नहीं आता था, आप पूछ लेते साइड वाले से, ऐसा चलता है ना वहां पे। हेलो हाँ सर बताइए, बारी है भाई। चलिए चलिए ठीक है, मैंने कहा साइड वाले की हेल्प भी ले सकते थे आप, लेकिन उसी ने खुद फेंक दिया तो उसको खुद पता नहीं होगा शायद। कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, कोई मना नहीं करता। एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं मतलब कि, है हाँ ना? एक दो हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ठीक है फिर नितिन जी, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, और मैं तो बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आप घर पे तैयारी करो, बिना घर पे तैयारी के बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। हाँ जी सही बात, जब आपने इतनी रेगुलर की उसके बाद भी सही है, हाँ सर मेरी मेहनत में कोई कमी रही होगी, जो मैं से तोरी सब्जी घर पे बना के देखी भी नहीं थी। लेकिन आप ये है कि देखिए, लास्ट में आपने जो मिस्टेक्स कर दी, आपकी ही मिस्टेक्स की वजह से आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने 100% दिया और मेरा नहीं हुआ, आपसे जे मिस्टेक्स हो गया भली वो अनजाने में हुई, लेकिन हुई तो मिस्टेक्स है ना। हाँ सर मैं लेकर आया था तोरी घर पे भी सब्जी बनाने के लिए, लेकिन सर जिस दिन मेरे को जाना था उसी दिन तोरी रखी थी मैंने, काटी हुई, लेकिन मेरे को जरूरी काम पड़ गया, मेरे को जाना पड़ गया था कहीं, फिर मैंने हाँ मम्मी को बोला मम्मी तुम्हें बना लेना, मैं नहीं बना रहा। देखिए ऐसा होता है, आप खैर वो भी बहुत नॉर्मल रहती है, बट यही आपने टमाटर यूज कर लिया और क्या। टमाटर तो ठीक है भाई नितिन जी, ठीक है धन्यवाद सर, आपकी वीडियो देखा बहुत फायदा लगा हमको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए चलिए थैंक यू। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, ये तो थे नितिन कुमार जी जो कि अपना अनुभव शेयर कर रहे थे उनके साथ कैसा क्या हुआ, लेकिन फिर भी डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपने यदि मसाला आटा और दाल वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको देख के जाएं, क्योंकि मैं भी गारंटी दे सकता हूँ यदि आपने उनको देख लिया तो आपका 101% टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। कौन से वाला? मसाले वाला। जी हाँ दोस्तों, और अच्छे से देखना, बार बार देखना, ताकि आपके दिलो दिमाग में वो बैठ जाए। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।